आ रहा है मॉनसून, अब घर से बाहर छाता लेकर ही निकलें। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ उपखंड में मंगलवार से शनिवार तक अगले 5 दिनों तक दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में व्यापक रूप से गरज के साथ वर्षा, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने आगे कहा कि एमपी में अच्छी बारिश होगी जो कि अगले 3 से 4 दिनों तक चलेगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इसी तरह की स्थिति का अनुभव हो सकता है। एमपी में प्री मॉनसून बारिश से लोगों को धूप से राहत मिली है, लेकिन उमस बढ़ गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कम या ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल में करीब 0.5 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा बारिश की वजह से दिन के तापमान में कमी आई, लेकिन न्यूनतम तापमान पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक उमरिया, शहडोल, जबलपुर, कटनी और मंडला में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके जैसे रतलाम, खंडवा, गुना, भोपाल और धार में भी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण और पश्चिमी भारत के बाद अब दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के मध्य भागों की ओर बढ़ रहा है। वहीं कई राज्यों में लोग अभी भी गर्मी से जूझ रहे हैं। कुछ जगहों पर तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है।